पहचान। जी हाँ, मैं धनंजय ही बोल रहा हूँ। जी जी, योगेश का पिता। क्या? हाँ, ये बात तो मुझे किसी लामा ने भी बताया था। ठीक है, मैं आपसे बाद में बात कर लूँगा। ठीक है। आरती, मैं ये सब क्या सुन रहा हूँ? अपना योगेश बेटा नौकरी छोड़कर भिक्षु बन गया है। भिक्षु? उस दिन देखा नहीं आपने, कैसे केस मुड़ा के आया था? नहीं, वैसे केस तो बाकी कई कारणों से भी मुंडन करवाते हैं ना आजकल के लड़के लोग, जैसे कि केस में डेंड्रफ हो जाने पर, केस गिर जाने पर। लेकिन हमें क्या पता था कि वो इस तरह से संसारिक जीवन ही त्याग देगा? सारे सपने चकनाचूर कर दिया उसने, चकनाचूर। बुढ़ापे का सहारा बनेगा ये सोच कर कितना खुश थे हम। राधा को बहू बनाने की सपना भी टूट गया है, अब राधा का क्या होगा? ना मत रहिए, भगवान को पने भी तो घर संसार राजमहल सब कुछ छोड़ के चले गए थे। मत वो तो सत्य युग की बात है, मगर इसने तो सब परिवार को गड्ढे में डालकर थोड़ी ना अच्छा किया है, इसने तो सब सपना सपना चूर कर दिया, बर्बाद कर दिया। आप यहाँ क्यों आए? किरंदोज का घर यही है क्या? जी घर तो यही है, लेकिन वो घर में नहीं है सर, वो तो कभी कभी आते हैं। आप कौन है? मैं उनकी वाइफ हूँ सर, लेकिन हुआ क्या सर? जिस महिला के साथ में वो रहता था उसका खून हो चुका है और इल्जाम किरंदोज पर लगा हुआ है। घबराइए नहीं, आप एक काम कीजिएगा, मैं आपको कार्ड देता हूँ, जब वो आएंगे तो हमें सूचित कर दीजिएगा, ठीक है? सुभद्रा, सुभद्रा, आप यहाँ क्यों आए? सुभद्रा, मुझे माफ कर दे,
प्लीज मुझे माफ कर दो। क्यों? आज कोई लड़की नहीं आई? मुझे बहुत बड़ी गलती हुई सुभद्रा, बता देखो मैं उसे मारना नहीं चाहता था, मैं ना उषा को मारना नहीं चाहता था सुभद्रा, मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे सुभद्रा, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो सुभद्रा। आप घबराए मत, पुलिस अभी भी आ सकती है, आप बैठ जाइए। हेलो ओसी साहब, सुभद्रा देखो ना मैंने कल से कुछ नहीं खाया, बड़ी जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? हा? क्यों नहीं, लेकिन खाने का वक्त मिलेगा। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हारा अब जेल का हवा खाने का वक्त आ गया है। ये क्या कह रहे हैं? तुम मेरी पत्नी होकर के मुझे जेल भिजवाओगे? तुम कैसी पत्नी हो? ये आप मुझसे नहीं अपने आप से पूछिए, क्या कभी आपने पति होने का कर्तव्य निभाया? बड़े बड़े सपने दिखा के मुझसे शादी किए और मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, और इसके बावजूद आप पत्नी का स्मरण करवा रहे हो? मैं इस जिंदगी से थक चुकी हूँ और मैंने मोक्ष का रास्ता अपना लिया है। ओसी साहब इसे ले जाइए। सुभद्रा मुझे माफ कर दो, सुभद्रा प्लीज मुझे माफ कर दो, सुभद्रा प्लीज प्लीज। चल ओसी साहब, चल इसे ले जाइए प्लीज, माफ कर दो सुभद्रा प्लीज। बहुत हो चुका है, चल चल। बात अच्छी सेहत की हो, किसी तरीके की लापरवाही नहीं करो, किसी तरीके का समझौता ना करो, ना बरतें लापरवाही, लक्षणों को पहचाने और लें डॉक्टर की सलाह। चाहे बीमारी दिल की हो, दांतों की हो या दिमाग की हो, खुद से इलाज ना करें, खुद से कोई भी दवाई ना खाएं, डॉक्टर के पास जाएं, अपनी जांच कराएं और अपना पूरा इलाज करवाएं और अपना ख्याल रखें। कार्यक्रम जो देगा सलाह भी मार्गदर्शन भी। मोबाइल उठाएं, नंबर मिलाएं 1800-11-3060 या 1800-11-3061। आपके अपने फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6-7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। राधा, मुझे तुम्हारी सब बातों का पता चल गया है। तुम अपने आप को संभालो राधा, संभालो। अगर तुम चाहती हो ना तो मैं अभी भी तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ। जलेबी नमक छिड़कने क्यों आयो? लेकिन क्यों राधा, क्यों? मैं यहाँ के लिए रहना चाहती हूँ, प्लीज प्लीज आप यहाँ से चले जाइए प्लीज। लेकिन क्यों राधा, क्यों? मुझे जीवन में क्या करना है उसका निर्णय मैं ले चुकी हूँ। ठीक है, यदि किसी वक्त तुम्हारा मन बदलता है तो मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं अभी के लिए चला जाता हूँ।
ऐसे तो देखने में बहुत दुख की बात है, लेकिन आपके लड़के योगेश ने जो काम कर रहा है ना, वो तो बहुत बड़ी बात है। इसमें तो आप लोग गर्व करना चाहिए। देखिए पंचायत बाबू, दूसरों के अलावा उस राधा बेटी का दुख को देखकर मुझे गहरा दुख होता है। सुनने में आया है तकरीबन एक महीने से वह बिस्तर पर बीमार पड़ी है और कुछ खाई नहीं उसने। हाँ, लेकिन ये भी सुनने में आया है कि कहीं से कोई ओझा को बुलाया गया है। ओझा जी, हमारी बिटिया को क्या हो गया है? आपका जोखाना क्या कहता है? ये घर बनने से पहले यहाँ एक बड़ा सा वृक्ष था और उसी वृक्ष के नीचे एक लड़की ने आत्महत्या की थी और वही आत्मा अमावस और पूर्णिमा के आमने सामने यहाँ वहाँ भटकती रहती है। अब हमारी बेटी ठीक हो जाएगी ना ओझा जी? मैं एक बड़ा ओझा हूँ। जब मैं किसी को उपचार करता हूँ ना, तब अच्छा ना होने का तो बात ही नहीं है। मैं ऐसा वैसा ओझा नहीं हूँ। मैं जब 7 साल का था तब वन झाकरी मुझे जंगल ले जाकर तंत्र मंत्र सिखा के 1 साल बाद घर में छोड़ दिया था। ओहो, ऐसा कैसा है ताऊ जी? जंगल का झाकरी कैसा होता है? हमें तो सरकार की बनाई हुई झाकरी को ही देखा था। क्या वो वन झाकरी फॉल्स वाला? वैसा ही होता है। इतने लंबे लंबे बाल, इतने लंबे लंबे मूंछ और दाढ़ी, हड्डियों का माला, चमड़े से ढका हुआ, पूरा ढका हुआ शरीर, बहुत डरावनी आंखों वाला, बहुत डरावनी दिखता है। अंकल जरा बाहर आइए ना। अंकल बच को दिखाना बुरी बात नहीं है, पर मेरा विचार में एक बार राधा को अस्पताल ले जाने से कैसा होगा? तुमने ठीक कहा बेटा, हम कल ही राधा को अस्पताल लेकर जाएंगे और डॉक्टर को दिखाएंगे। सभी रिपोर्ट आ गया है क्या? इसे तो कोई भी बीमारी नहीं है, सभी रिपोर्ट तो नॉर्मल है। थैंक गॉड, रिपोर्ट अच्छा निकला। मगर डॉक्टर साहब, राधा इतनी बीमार क्यों है? लगता है इसे बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है। इसे डॉक्टरी इलाज की जरूरत नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक इलाज की जरूरत है। उसको नॉर्मल जिंदगी जीने के लिए आप सब लोग सहयोग कीजिए, ठीक हो जाएगी। मगर डॉक्टर साहब, ये तो बहुत कमजोर हो गई है, समय में खाना भी नहीं खाती,
रात में सोती भी नहीं, क्या क्या सोचती रहती है। मैंने पहले भी कहा ना आपको, इसे बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है। मैं एक विटामिन और दवा लिख देता हूँ, आप लोग इसे नियमित रूप से पिलाइए, ठीक हो जाएगी, आप लोग फिक्र मत कीजिए। चलो सिस्टर। बगिया में छिपा है सेहत का खजाना। टेरेस गार्डनिंग से बनेगा घर ब्यूटीफुल और हेल्दी। क्यों ना गार्डन में उगाएं अपने फल फूल और सब्जियां, जिससे सेहत भी बने और छत की बगिया भी खिली खिली रहे। देखिए छत पर बागवानी शनिवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। दिव्य रत्न, ठीक तो हो तुम? हाँ, कुछ तुम दुबला सा गए हो। एक वक्त खाना और जलनी व्यस्त कारण भी हो सकता है। विगत में जिस प्रकार तुम अपने तन मन ध्यान लगा के तुम जो अभ्यास कर रहे हो, उसको लेकर मठ में सब लोग बहुत प्रसन्न है तुमसे। और जिस प्रकार तुम जो अपनी योग ध्यान कर रहे हो, उसको लेकर सब तुम्हारा प्रशंसा कर रहे हैं। और हमारे बुद्धिस्ट धर्म में यही बोलता है कि सबको मोक्ष दिलाना और संसार में शांति के लिए पूजा करना। और इस योग में तुम सबसे सर्वश्रेष्ठ हो। धन्यवाद भंते अमिताभ, धन्यवाद। मैं धर्म परिवर्तन में और भी आगे जाना चाहता हूँ। मुझे आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। भगवान बुद्ध के आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, हम तो केवल एक सेवक है। और हमारा धर्म ही सेवा करना है और अपने अध्ययन और योग साधना को, इस ज्ञान को तंत्र शास्त्र और को भी तेज करना चाहिए और इसको अध्ययन करना चाहिए हम तुम। और ये करने से तुम एक दिन बहुत महान बन जाओगे, तुम्हारा ये जो बलिदान है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। ये विशुद्ध धर्म वचन के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसे श्रद्धेय गुरुजनों के छत्र छाया में मैं सफल बन सकता हूँ। मैं अपना निस्वार्थ सेवा सबको पहुंचा सकूं, मुझे आशीर्वाद दीजिए। दिव्य रत्न, तुमको मेरा आशीर्वाद है। धन्यवाद। राधा, सुनिए तो। क्या हुआ, क्यों घबरा रही हो? देखिए ना, राधा बिस्तर पर नहीं है, अभी तक तो यहीं पर सो रही थी। बाहर कहीं गई होगी, जरा देखो ना। वहां पर भी देखा मैंने। हे बाबा, इतनी कमजोर हो गई है, चलने की अवस्था में भी नहीं, कहां चली गई होगी। बसंती, शादी के कई साल तक हमारी कोई औलाद नहीं था। मंदिर धाम गुम्बा में मन्नतें मांगने के बाद ये बच्ची पैदा हुई, वो भी आज बहुत बीमार है। आप मत रोइए, चलिए बाहर देखते हैं। घबरा रही हो? देखो ना, राधा घर में नहीं है,
कहाँ चली गई पता नहीं। तुमने देखा राधिका को? नहीं तो भाई, भाई आपने राधिका को देखा? अरे राधा बिटिया तो नदी की ओर जा रही थी। नदी की ओर? इतनी कमजोर थी कैसे चली गई? चलिए हम लोग भी वहीं पर चलते हैं कि भगवान उसको खुश ना हो जाए। को बुला कर आती हूँ। ठीक है जल्दी आना। यहाँ के लोग स्वार्थी अपने लिए अपने लिए। तू निभा नहीं पाते, हम तो तुम्हें दिल से पाते, दिल से। मेरा कर्म तो मुझे माफ कर देना। क्या बात है? मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। राधा को कुछ बोलने के लिए बोल दिया नहीं, इसको उठाइए ना, कुछ नहीं बोल दी नहीं। इसको उठाइए ना, कुछ तो बोल दी दीजिए। मेरी बच्ची, बोलना बेटी, बोलना। जन्म लो चंद्रपद जैसे जीवन जन्म लो चंद्रपद पेमा नाम की एक लड़की ने फोन किया था। अब राधा इस दुनिया में नहीं है। पंते अमिताभ, मैं ध्यान योग में जाना चाहता हूँ। अवश्य बनते, अवश्य। अब तुम अपने ध्यान द्वारा राधा का आत्मा को स्पष्ट रूप से तुम देख सकते हो और उसको तुम मोक्ष दिला दो। बड़ी है कहानी हो बिटिया।
पहाड़ की हो हिमा।